इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस जहां चौकीदार चोर है को नारे लगा रहे थे, तो बीजेपी वाले मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। हंगामा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हालात को संभाला और हंगामा कर रहे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया। दरअसल ये हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी और कांग्रेस प्रत्याशी पंकज सांघवी रैली निकाल रहे थे। प्रशासन ने बीजेपी की रैली के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया था, जबकि कांग्रेस को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त दिया गया था। बीजेपी की रैली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। रैली के लिए भाजपा के पास 12 बजे तक का समय था, लेकिन 12:05 तक राजबाड़ा पर जगह खाली नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हालांकि प्रशासन चौकन्ना था, जिसकी वजह से मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।